गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप देख रहे हैं जी हिंदुस्तान, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी और मैं हूं आपके साथ चंदन भारद्वाज। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों पर सुपर फास्ट अंदाज में। इंडोनेशिया के 3 दिवसीय दौरे के लिए आज रवाना होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए बाली जा रहे हैं पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाली में G20 शिखर सम्मेलन के 3 प्रमुख सत्रों में लेंगे हिस्सा। यूक्रेन संघर्ष और वैश्विक चुनौतियों पर होगी चर्चा। पीएम मोदी G20 के कुछ नेताओं के साथ करेंगे द्विपक्षीय बैठक। भारत 1 दिसंबर से औपचारिक रूप से G20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। इंडोनेशिया के बाली में आज जो बाइडेन और शी जिनपिंग के बीच अहम बैठक। दोनों देशों के बीच यूक्रेन युद्ध समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा। तुर्की की राजधानी इस्तांबुल के भीड़भाड़ वाले इलाके में धमाका। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। धमाके में 6 लोगों की मौत, 53 लोग घायल हुए। इस्तांबुल के टस्किम स्क्वायर में हुआ बम धमाका। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले के पीछे कुर्दों का हाथ हो सकता है, लेकिन ISIS के भी हाथ से नहीं किया जा सकता इनकार। सेंट्रल इस्तांबुल के मार्केट में हुआ ब्लास्ट धमाके के बाद मची अफरा तफरी, हर तरफ भागते नजर आए लोग। सर्बिया के बलग्रेड में प्रदूषण के खिलाफ प्रदर्शन। लोगों ने सरकार से एयर क्वालिटी इंडेक्स को सुधारने की मांग की। तुर्की में हमले के हाई लेवल जांच शुरू। राष्ट्रपति इदुगान ने आतंकी हमले की आशंका जताई, कहा आतंकी हमला घोषित करने के लिए फिलहाल पर्याप्त सबूत नहीं। रूस के विदेश मंत्री का नाटो पर आरोप, कहा यूरोप और नाटो मिलकर एशिया पैसिफिक क्षेत्र में कंट्रोल करना चाहते हैं। खेरसोन से रूस की वापसी के बाद अभी भी जारी है लोगों का जश्न। इलाके में यूक्रेन की सेना की वापसी पर लोगों ने गाए देशभक्ति गीत। स्पेन के कोस्ट गार्ड्स ने अटलांटिक महासागर में 45 प्रवासियों का रेस्क्यू किया। लकड़ी की नाव में सफर कर रहे थे प्रवासी, कभी भी हादसा हो सकता था। स्पेन की राजधानी मैड्रिड में स्वास्थ्य कर्मियों का प्रदर्शन। अस्पतालों में संसाधनों की कमी को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। चाइना में टेस्ला की कार ने मारी टक्कर, हादसे में 2 की मौत, कई घायल। सॉफ्टवेयर फेल होने की वजह से हुआ हादसा। पंजाब के लाला लाजपत राय कॉलेज में पाकिस्तान इंग्लैंड मैच के दौरान भिड़े छात्र। बिहार और जम्मू कश्मीर के छात्रों के बीच जमकर पत्थरबाजी। कॉलेज में हुई पत्थरबाजी में कई छात्रों को आई चोट, घायल छात्रों को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। मैच के दौरान छात्रों में हुई थी बहस, कश्मीरी छात्रों का आरोप है कि उनके खिलाफ अपशब्द बोले गए, जबकि बिहार के छात्रों ने कहा कि पाक समर्थन में नारे लगाए गए थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज से 2 दिवसीय गोरखपुर दौरा। गोरखपुर में जनता दरबार में आने वाले लोगों की समस्या को सुनेंगे मुख्यमंत्री। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आज से 3 दिवसीय लखनऊ दौरा, कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे, हिस्सा लेंगे। लखनऊ की यजदान बिल्डर की बिल्डिंग को आज किया जाएगा ध्वस्त, बिल्डिंग में रह रहे लोगों को निकाला गया बाहर। लखनऊ में मानकों के विपरीत बनी यजदान बिल्डर की बिल्डिंग। लखनऊ विकास प्राधिकरण और बिल्डर्स की मिलीभगत से बनी भ्रष्टाचार की बिल्डिंग। ज्ञानवापी मामले में आज का दिन बेहद अहम। वादी किरण सिंह की तरफ से दाखिल याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं, इस पर आएगा फैसला। किरण सिंह ने याचिका में कथित शिवलिंग की पूजा करने, परिसर हिंदुओं को सौंपने और मुस्लिमों का प्रवेश वर्जित करने की मांग की है। मामले में बहस पूरी हो चुकी है। मैनपुरी उपचुनाव सीट के लिए डिंपल यादव आज करेंगी नामांकन। अखिलेश यादव के साथ कलेक्ट्रेट पर नामांकन दाखिल करने जाएंगी डिंपल यादव। उदयपुर में रेलवे ट्रैक पर ब्लास्ट मामले की जांच में जुटी NIA। ब्लास्ट वाली जगह पर की छानबीन, दूसरी एजेंसियां भी जांच में शामिल। उदयपुर रेलवे ट्रैक ब्लास्ट की आतंकी एंगल से जांच में जुटी एजेंसियां, डेटोनेटर से पुल को उड़ाने की थी साजिश। मोरबी पुल हादसे पर आज गुजरात हाईकोर्ट में सुनवाई। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने गृह विभाग, शहरी आवास, मोरबी नगर पालिका को जारी किया था नोटिस। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ दायर याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। याचिकाओं में कहा गया एक्ट धार्मिक स्थलों पर पूजा के अधिकार का दावा करने से रोकता है। मोहन भागवत का छत्तीसगढ़ दौरा। सूत्रों के मुताबिक भागवत आज जशपुर होने वाले कार्यक्रम में होंगे शामिल।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज से दो दिनों का झारखंड दौरा, भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर आयोजित कई कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। अवैध धर्म परिवर्तन को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, याचिका में अवैध धर्मांतरण विरोधी कानून की मांग की गई है। धार्मिक नाम और प्रतीक वाले चुनाव चिन्हों के इस्तेमाल पर रोक की मांग वाली याचिका पर आज सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक पार्टियों को भी बनाया पक्षकार। मैरिटल रेप से जुड़े एक मामले में भी आज होगी सुनवाई, याचिका में मैरिटल रेप पर मुकदमे के बाद इसे तलाक का आधार बनाने के लिए कानून बनाने की मांग की गई। दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में सिसोदिया की बढ़ने वाली है मुश्किलें, आरोपी दिनेश अरोड़ा बनेंगे सरकारी गवाह, आज दर्ज होगा बयान। दिल्ली एमसीडी चुनाव के लिए आज नामांकन का आखिरी दिन, बीजेपी आप और कांग्रेस के किसी भी उम्मीदवार का नहीं हुआ है अभी तक नामांकन। महाराष्ट्र के अंबरनाथ में बैलगाड़ी दौड़ विवाद के चलते दो गुटों के बीच हुई फायरिंग, करीब 10 से 12 राउंड हुई फायरिंग। पंजाब के भिंड में चिकनगुनिया बुखार का विस्फोट, शंकरपुरा गांव में 85% बीमार लोगों में चिकनगुनिया के लक्षण, एक साथ 68 एक्टिव केस सामने आए। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में फंदे से लटका मिला नवविवाहित का शव, मायके वालों ने लगाया दहेज हत्या का आरोप। यूपी के कासगंज में बिना तलाक के दूसरी शादी करने पर पहली पत्नी ने दर्ज कराई एफआईआर, सोशल मीडिया पर दूसरी पत्नी के साथ डांस का वीडियो वायरल होने के बाद पोल खुली। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में साइंस रिसर्चर बनी झुग्गी की बच्ची की मददगार, स्लम के बच्चों को सिखाती है गुड टच और बैड टच। यूपी के ग्रेटर नोएडा में दिल दहलाने वाली घटना, रास्ते से गुजर रहे शख्स पर दूसरी मंजिल से फेंके सीमेंट की बोरी, गंभीर रूप से घायल अस्पताल में युवक भर्ती। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में गड्ढे में डूबने से 3 बच्चों की मौत, हादसे के बाद गांव में मातम का माहौल, पुलिस ने बच्चों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी के बागपत में बीच सड़क पर पुलिस की गाड़ी से 2 बच्चों को मारी टक्कर, घायल बच्चों को स्थानीय लोगों ने अस्पताल में भर्ती करवाया। मध्य प्रदेश के धार में बस हादसे के बाद हार्ट अटैक से कंडक्टर की मौत, हादसे के बाद ड्राइवर को पुलिस ने किया था अरेस्ट, घर पहुंचकर हार्ट अटैक से कंडक्टर की हुई थी मौत। तेलंगाना में 12वीं में पढ़ रहे 17 साल के छात्र ने की खुदकुशी, सुसाइड लेटर में 3 छात्रों पर लगाया हैरेसमेंट का आरोप। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में भाभी से अवैध संबंधों के चलते भाई ने ही की भाई की हत्या, देवर के साथ मिलकर पत्नी ने रेता गला, बुरका पहनकर आया था प्यारा भाई। यूपी के अलीगढ़ में लापता 3 छात्रों को पुलिस ने सकुशल बरामद किया, पढ़ाई में कमजोर होने के चलते परीक्षा छोड़कर तीनों छात्र 500 रुपए में साइकिल बेचकर दिल्ली चले गए थे। असम के विश्वनाथ जिले में हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल, रास महोत्सव में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा, रास लीला में होती है कृष्ण लीला का मंचन। यूपी के चंदौली में प्रेमिका का नाम लेकर गंगा में कूदा शख्स, प्रेमिका को बताया मतलबी, गंगा में कूदने से पहले मुंह बोली बहन और मित्र को भेजा मैसेज। और बिहार के शेखपुरा सदर अस्पताल में पुलिस ने की मरीज के परिजनों की पिटाई, पत्नी का इलाज कराने आए व्यक्ति को बेरहमी से पीटा। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं, क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।